आज का दिन हमारा बहुत ही बिजी गुजरा है, आज बड़ी परेशानी हुई है, बड़ा मजा आया। और सबसे अच्छी बात जो है, जो हमारी लाइट नहीं गई, हमारी रात की लाइट नहीं गई। ये हमारा लास्ट टाइम भी हुआ था जब हमारी लाइट नहीं गई, जब हम बारिश हुई थी ना तो हमारी रात को लाइट नहीं गई थी, तो बारिश हमारे लिए लगती है। शानदार ट्रिक जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि जब भी पकौड़े का बैटर बनाए, ठंडे यक पानी से उस बैटर को जो है वो मिक्स करें। यहाँ पे इससे ये कि हमारे पकौड़े जो है बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरे से होते हैं। चलिए फिर मैं इसको अच्छे से बैटर बना लेती हूँ। शैलो फ्राई करती हूँ क्योंकि फिर डीप फ्राई नहीं करती, उनके फिर इश्यूज़ हो जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह के। तो इस तरीके से मैं जो हूँ इसको फ्राई करना अब स्टार्ट कर देती हूँ। और जब पापा ऑफिस से आएंगे ना, मैं सब सोच सोच के खुश हो रही हूँ, कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे जब गर्म गर्म से पकौड़े उन्हें मैं सर्व करूँगी बारिश के दिन। क्या बात है। चम 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 करके डक जैसी नहाऊं।
ये चेक करें, कराची की बारिश की रात 10:30 हो रहे हैं और अभी भी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश हो ही रही है, लेकिन माशाल्लाह रौनक देखें, लाइटिंग देखें और अल्लाह का शुक्र है आज रात को हमारी लाइट भी नहीं गई, मतलब लोड शेडिंग नहीं हुई। ठीक है, सामने कोई नई शॉप जो पेशावरी की खुली आइसक्रीम की है वो वहाँ पर अभी तक चल रहा है। मैम हम हो गए, वो खुश हुआ। तो आज बड़ा थक गए हैं, नींद आ रही है, तो आज हम लोगों ने सोचा लाइट भी नहीं गई है, तो सोचा कि बड़ा थक गए हैं आज, तो आज हमने सोचा कि आज हम लोग सवेरे सो जाते हैं, क्योंकि हमें ये क्या हो रहा है, एक मिनट में ये कहाँ आ रही है सवारी, सो मारिया जो है वो आयरन करने जा रही है पापा के ड्रेस, क्योंकि कल हमारा कुछ प्लान है कि हम ये मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में, मतलब सुकून वाला रूम है, यहाँ पे कोई शोर नहीं होता, यहाँ पे ट्रैफिक की भी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा रोड से रोड की तरफ थोड़ा सा आ जाता है चल के, दैट्स वाई। तो बड़ा थक गए हैं आज, पता नहीं क्यों, शायद बारिश की हवा ऐसी होती है, क्या होता है सीन, थकावट बड़ी हो जाती है, वैसे लाइट तो नहीं गई, तो हम लोग अभी सो जाएंगे सारे, मानो इस्त्री कर ले, फिर हम सोते हैं, और कल हम लोगों का प्लान है, क्योंकि हम जल्दी सोने की एक वजह भी और है, क्योंकि कल हमें सवेरे उठ के जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के मार्केट जाना है। मैंने ट्राइपॉड लगा लिया क्योंकि हाथ जो है वो मेरे दुखने लगे थे, तो ईद को अब रह गए हैं 4 से 5 दिन, तो हमारी कुछ शॉपिंग रह गई थी, तो कल का हमारा ये प्लान है कि हम मार्केट जाएं और कुछ सामान हमें लेने हैं, तो वो सब हम निपटाएं, वो सब लें, तो इसलिए हम आज जल्दी सो रहे हैं इस वजह से भी, और थकावट भी पता नहीं आई डोंट नो क्यों हो गई है, बट हो गई है, तो हम लोग को शायद कल की एडवांस थकावट है, सो सोते हैं और फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल शॉपिंग का भी डे है, हमारी शॉपिंग करनी है, बड़ी खुशी होती है जल्दी शॉपिंग करनी होती है। सो अगर ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा चैनल मसारा किचन और मसारा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।